आज का आजाद सिपाही अखबार आपने पढ़ा क्या? पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। नमस्कार, आजाद सिपाही के प्राइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिंह। आज के प्राइम की प्रमुख खबर कुछ इस प्रकार है। पहले चरण की 13 सीटें तय कर देंगी सत्ता का रास्ता। दूसरी खबर, नीतीश ने सरयू राय से मुंह मोड़ा, चुनावी भंवर में अकेला छोड़ा। तीसरी खबर, चकधरपुर में झामुमो के सुखराम ही होंगे महागठबंधन का चेहरा, कागजात जमा करने पर नामांकन हो गया मंजूर। चौथी खबर, केंद्रीय चुनाव आयोग ने ली राजनीतिक दलों की राय, बीजेपी ने उठाया बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा। पांचवी खबर, एनटीपीसी के डीजीएम से मारपीट मामले में हाईकोर्ट ने तत्काल डीसी से मांगा जवाब। छठी खबर, लातेहार में 10,000 घूस लेते दरोगा गिरफ्तार। सातवीं खबर, पलामू में प्रचार वाहन से 29,98,000 रुपए बरामद। आइए अब सुनते हैं खबर विस्तार से। राज्य में 30 नवंबर को पहले चरण की 13 सीटों पर होने वाले चुनाव तय कर देंगे कि झारखंड में सत्ता की चाबी किसके पास रहने वाली है। दरअसल ये वे सीटें हैं जो भाजपा के लिए चुनौतीपूर्ण तो है ही, झामुमो के लिए भी आसान नहीं है। इतना ही नहीं, कांग्रेस भी इन सीटों को लेकर कभी आश्वस्त नहीं रही। इन सीटों पर 190 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। भाजपा और झाविमो ने सभी सीटों पर प्रत्याशी उतारे हैं। गठबंधन के तहत कांग्रेस के 6, झामुमो के 4 और राजद के 3 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। 2014 में इन 13 सीटों में भाजपा ने 6, झाविमो ने 2, झामुमो और कांग्रेस ने 1-1 सीटें जीती थी। बाद में झाविमो के दोनों विधायक पाला बदलकर भाजपा में शामिल हो गए थे। उसके बाद 13 सीटों में भाजपा विधायकों की संख्या 8 हो गई थी। इस चुनाव में 9 सीटों पर सीधा मुकाबला होगा, वहीं 3 सीटों पर त्रिकोणीय और 1 पर चतुष्कोणीय मुकाबले के आसार हैं। दरअसल इन 13 में से 9 सीटें पलामू की हैं, जहां के मतदाता अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा राजनीति में ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं। पलामू की 9 में से मात्र 4 सीटें ही पिछले चुनाव में भाजपा के खाते में आई थी। अब तक के विधानसभा चुनाव में पलामू में मिला जुला ट्रेंड ही देखने को मिलता रहा है। कुछ सीटें भाजपा को मिलती रही हैं, तो कुछ कांग्रेस को तो कुछ राजद को। झामुमो ने भी कभी कभार यहां अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। पलामू ने कभी किसी दल को निराश नहीं किया, इसलिए माना जाता है कि पलामू की धरती पर जिसने भी बढ़त बनाई वह सत्ता की चाबी हासिल करने में सक्षम हो सकता है, क्योंकि पलामू में कभी कोई एक दल एक तरफा बढ़त नहीं बना पाया। इसलिए यदि किसी दल को अकेले 9 में से 6 या 7 सीटें मिली तो उसके वारे न्यारे हो सकते हैं। वहीं इसके साथ ही गुमला और लोहरदगा की सीटें उस दल के लिए बोनस हो सकती है जिसने पलामू में बढ़त बना ली। यदि पलामू के साथ ही गुमला और लोहरदगा की सीटें भी पलामू में बढ़त बनाने वाले के खाते में चली गईं, तो उसके लिए मैदान फतह करना मुश्किल नहीं होगा। दरअसल गुमला में झामुमो तो लोहरदगा में कांग्रेस उम्मीदवार फिलहाल महागठबंधन की ओर से भाजपा को टक्कर दे रहे हैं। इन 4 सीटों में 2 सीटें भी मिली तो वे बोनस होंगी, इसलिए पहले चरण की इन सीटों को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अब नजर डालते हैं आज की दूसरी प्रमुख खबर पर। कल तक सरयू राय के पक्ष में प्रत्याशी नहीं उतारने की घोषणा कर रहे जदयू ने एकाएक ब्रेक लगा दिया है। इतना ही नहीं, जदयू प्रमुख नीतीश कुमार ने भाजपा के बागी मंत्री सरयू राय के चुनाव प्रचार में आने से मुंह मोड़ लिया है। माना जा रहा है कि सियासी तौर पर बेहद मंजे हुए राजनेता नीतीश ने यह फैसला बहुत ही सोच समझ कर लिया है। बिहार में भाजपा के साथ सरकार चला रही जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश इसमें आगे का नफा नुकसान देख रहे हैं। इधर जिस तरीके से सरयू राय के समर्थन में चुनाव प्रचार करने को लेकर अब भाजपा खेमे की ओर से बयान आ रहा था, उससे यह साफ हो गया था कि अब नीतीश को अपना स्टैंड साफ करना पड़ेगा। बता दें कि झारखंड में भाजपा के बागी नेता सरयू राय के लिए मुख्यमंत्री रघुवर दास के खिलाफ नीतीश कुमार के प्रचार करने की घोषणा करके जदयू ने देश की सियासत गर्मा दी थी। नीतीश के इस फैसले को उनकी भाजपा से बढ़ती दूरी के रूप में देखा जा रहा था। राजनीतिक विश्लेषक इस निर्णय में कई निहितार्थ ढूंढ रहे थे। बता दें कि बुधवार को पटना में कृषि विभाग के कार्यक्रम के बाद पत्रकारों ने जब नीतीश कुमार से पूछा कि क्या आप झारखंड विधानसभा चुनाव में सरयू राय के प्रचार के लिए जाएंगे, तो उनका जवाब था कि नहीं, यह मेरी जरूरत नहीं है। सीएम नीतीश ने तब सिर्फ इतना ही कहा और गाड़ी में बैठकर रवाना हो गए। उन्होंने वहां पत्रकारों के किसी और सवाल का जवाब नहीं दिया। नीतीश के इस एक बयान से तमाम अटकलों पर विराम लग गया है। अब नजर डालते हैं आज की तीसरी प्रमुख खबर पर। चक्रधरपुर में झारखंड मुक्ति मोर्चा के सुखराम उरांव भी महागठबंधन का चेहरा होंगे। बुधवार को उन्होंने अधिकारियों को अपने केस से संबंधित कागजात उपलब्ध करा दिए।
जिसके बाद उनका नामांकन मंजूर कर लिया गया। दरअसल बीते मंगलवार की शाम अधिकारियों द्वारा उनके केस के कागजात मांगे जाने और उनका नामांकन होल्ड पर रखे जाने के बाद से ही चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया था। कयास लगने लगे थे कि अब यहां महागठबंधन का चेहरा कौन होगा। उनके नामांकन पत्र में एक आर्म्स एक्ट के केस के कागजात नहीं थे, जिनका जिक्र उन्होंने 2014 के चुनाव के दौरान अपने नामांकन में किया था। कागजात मांगे जाने पर उनके वकील ने कहा कि यह केस खत्म हो गया है। तब केस खत्म होने के कागजात की मांग की गई। उन्हें बुधवार सुबह 11 बजे तक का समय दिया गया था। निर्धारित समय के अंदर कागजात जमा किए जाने पर उन्हें चुनाव लड़ने की स्वीकृति मिल गई है। यहां से उनके खिलाफ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण गिलुवा और झाविमो के प्रत्याशी सह झामुमो के मौजूदा विधायक शशि भूषण सामड मैदान में हैं। अब नजर डालते हैं आज की चौथी प्रमुख खबर पर। झारखंड विधानसभा चुनाव की तैयारियों को परखने के लिए भारत निर्वाचन आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा राजधानी में हैं। बुधवार को राजधानी आगमन के बाद वे होटल रेडिसन ब्लू पहुंचे, जहां राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ उनकी बैठक हुई। इस क्रम में मुख्य चुनाव आयुक्त ने सभी दलों को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव का भरोसा दिया। सुनील अरोड़ा 2 दिनों तक यहां रहेंगे। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था समेत तमाम चुनावी गतिविधियों की वे समीक्षा करेंगे। इस क्रम में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने निर्वाचन आयोग के समक्ष केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर की शिकायत दर्ज कराई। वन कानून के ड्राफ्ट में संशोधन को पार्टी ने चुनाव को प्रभावित करने वाला बताया और उन पर कार्रवाई की मांग की। झारखंड विकास मोर्चा ने उम्मीदवारों पर दर्ज मामले के 3 अखबारों में प्रकाशित तथा इतने ही चैनलों में प्रसारित करने की अनिवार्यता पर एतराज जताया। पार्टी प्रतिनिधियों ने निर्वाचन आयोग से इस आदेश को वापस लेने की मांग की। इस पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर इसे अनिवार्य किया गया है। सभी राजनीतिक दल और प्रत्याशी इसका अनुपालन करें। भाजपा के दीपक प्रकाश ने संथाल के जिलों में बांग्लादेशी घुसपैठियों द्वारा फर्जी मतदान करने का मामला उठाया। ऐसे संवेदनशील मतदान केंद्रों पर अर्धसैनिक बलों की तैनाती की मांग की। भाजपा ने कुछ एनजीओ के विदेशी फंड का दुरुपयोग कर विशेष पार्टी को चुनाव में मदद करने की भी शिकायत की, साथ ही उनके 1 साल के आय व्यय की जांच की मांग की। सीपीआई ने चुनाव के दौरान शराब की बिक्री बंद करने की मांग की। कांग्रेस ने 5 चरणों में चुनाव कराने पर उठाया सवाल, कहा कि चुनाव की घोषणा से पहले हुई बैठक में सभी विपक्षी दलों ने 1 या 2 चरणों में चुनाव कराने की मांग की थी। चुनाव आयोग ने कहा कि पिछली बार भी झारखंड में विधानसभा चुनाव 5 चरण में ही हुए थे। अब नजर डालते हैं आज की 5वीं प्रमुख खबर पर। एनटीपीसी के डीजीएम राकेश नंद सहाय से मारपीट के मामले में झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई न्यायाधीश एसएन पाठक की अदालत में हुई। अदालत ने हजारीबाग के तत्कालीन डीसी सुनील कुमार को नोटिस जारी कर इस मामले में जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 19 दिसंबर को होगी। इस मामले में 10 फरवरी 2015 को राकेश नंद सहाय ने एक प्राथमिकी दर्ज कराई थी, जिसमें कहा गया था कि तत्कालीन डीसी सुनील कुमार ने आवासीय कार्यालय में उनके साथ मारपीट की। उनकी ओर से हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल कर सुनील कुमार के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की मांग की गई थी। सुनवाई के दौरान वादी की ओर से अदालत को बताया गया था कि इस मामले में एक जांच कमेटी बनी थी, लेकिन उसकी रिपोर्ट पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस पर अदालत ने सरकार से पूछा कि जांच रिपोर्ट पर क्या कार्रवाई की गई। अब नजर डालते हैं आज की 6वीं प्रमुख खबर पर। पलामू निगरानी की टीम ने लातेहार महिला थाना में कार्यरत एएसआई को 10,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। निगरानी की टीम गिरफ्तार एएसआई को अपने साथ पलामू ले गई है। सदर प्रखंड के नवागढ़ निवासी दीपा रोशन नामक महिला ने अपने पति के खिलाफ महिला थाना में उत्पीड़न का मामला दर्ज कराया था। इसी मामले में महिला को मदद करने के लिए एएसआई ने उससे 10,000 रुपए की मांग की थी, जिसके बाद दीपा रोशन ने मामले की शिकायत निगरानी की टीम से की। इस पर टीम ने दीपा रोशन को 10,000 रुपए देकर एएसआई के पास भेजा। जैसे ही एएसआई ने पैसे लिए, वैसे ही निगरानी की टीम ने उसे धर दबोचा। अब नजर डालते हैं आज की 7वीं प्रमुख खबर पर। पलामू पुलिस ने एक बोलेरो गाड़ी से 29,98,000 रुपए बरामद किए हैं। इस मामले की जांच के लिए मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन कर दिया गया है। पलामू के गढ़वा में वाहन जांच के क्रम में इस गाड़ी से रुपए बरामद किए गए। इस गाड़ी पर बीजेपी का झंडा भी लगा हुआ है। बताया जाता है कि इस गाड़ी का इस्तेमाल स्थानीय भाजपा प्रत्याशी के प्रचार वाहन के रूप में किया जा रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है कि यह पैसे किसके हैं और किस काम के लिए ले जाए जा रहे थे। आज के आजाद सिपाही के प्राइम बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। और हाँ, आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जुड़े रहिए आजाद सिपाही के साथ। धन्यवाद।